रूस यूक्रेन के दो साल बीत जाने के बाद अब अचानक एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर के कई मायने हैं। युद्ध के रणनीतिकार और जानकार इस घटना को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देख सकते हैं। वजह यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन किसी खास मकसद और खास संदेश के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने पहुंचे। ये तस्वीरें इसलिए हैरत में डालने के लिए काफी हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अचानक चीन के दौरे पर जा रहे हैं और चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मिलेंगे। जाहिर तौर पर ये मुलाकातें एक नई महाभारत की पटकथा तैयार करते दिख रहे हैं। अमेरिकी मंत्री का खुल्लम खुल्ला जेलेंस्की के साथ कीव में मिलना युद्ध को घातक अंजाम में पहुंचाने की तरफ देखा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो मौजूदा हालात हैं, उसमें यूक्रेन पूरी तरह से बैकफुट पर है। रूस की विस्फोटक सेना के सामने यूक्रेनी सेना एक एक कर मोर्चे हारती जा रही है। यूक्रेन की सेना लगातार हथियारों की कमी से जूझ रही है, उसके सैनिकों का मनोबल गिर रहा है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की सेना ने खार्किव पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस अब खार्किव के भीतर तक घुस आया है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन में खार्किव के 9 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे पस्त हालातों में यूक्रेन के राष्ट्रपति से अमेरिकी विदेश मंत्री की मुलाकात जंग को नए मुकाम पर ले जाने की कवायद है। अगर ऐसा होता है तो फिर रूस बनाम नेटो की जंग शुरू होने में सिर्फ एक बटन का फैसला रह जाएगा। वैसे भी पुतिन 9 मई को रूस के विजय दिवस के मौके पर दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन पहुंचने के बाद ब्लिंकन ने जेलेंस्की को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि अमेरिका उसके साथ है। रूस के हमले के बाद से ये ब्लिंकन की चौथी यात्रा है। अमेरिका 61 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान कर चुका है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल बुरी तरह से नष्ट हो चुके तोपखानों और एयर डिफेंस सिस्टम नए सिरे से खड़ा करने पर खर्च किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन की सेना रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रही है। फरवरी 2022 में तकरीबन 80% रूसी मिसाइलों को हवा में ही यूक्रेनी सेना मार गिराने में सफल रही थी, लेकिन अब केवल 30% मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर गिरा पाती है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना का रूसी मिसाइलें बुरी तरह नुकसान पर नुकसान किए जा रही हैं। बहरहाल ब्लिंकन को भेजकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की रक्षा और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए व्हाइट हाउस की प्रतिबद्धता को दोहराया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन अब चीन के लिए रवाना हो रहे हैं। बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद नए समीकरण और नई रणनीतियां दुनिया को चौंका सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति का 5वां कार्यकाल शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली विदेश यात्रा होगी। अब चूंकि यूक्रेन को लेकर नेटो और फ्रांस ब्रिटेन जैसे देशों की दखल लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकती है। अमेरिकी और दूसरे देशों को धमकाने और रोकने के लिए रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सबको चौंका भी सकता है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध रोकने और रोकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं दिख रही। युद्ध बढ़ता जा रहा है और अब इसका दायरा बढ़ने की भी आशंका गहरा गई है।